अच्छा इस टाइम टाइम क्या हो रहा है बरीरू? इस वक्त क्या टाइम हो रहा है बरीरा? 12 बज रहे हैं, सो जाओ। अच्छा जी, ये सिर्फ अपने बाबा का ये दोनों वेट कर रहे हैं, इस वजह से सो ही नहीं रहे और मुझे भी नहीं सोने दे रहे, और आपस में बहन भाई जो है ना वो खेले जा रहे हैं, एक दूसरे को मार भी बहुत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर ऑल वेल। तो यहाँ पे जी ये सुबह सवेरे का व्लॉग है, तकरीबन 11-12 बज रहे थे और हम लोग आए हुए थे शॉपिंग पे, और आज जो है ना व्लॉग का आगाज़ भी मैंने यहीं से किया है। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हुए थे वंस पे, और ये जो एक नया मॉल बन रहा है ब्रांड लाइन में, हम लोग उसी साइड पर गए हुए थे। तो यहाँ पे सिर्फ अभी कुछ ही ब्रांड है, तो यहाँ पे हम वंस पे आए हुए थे क्योंकि मेरी सिस्टर ने करनी थी शॉपिंग, और मेरे हस्बैंड भी साथ थे क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की करनी थी शॉपिंग, और यहाँ पे मैं भी कुछ पसंद कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं ऐसी पैंट शर्ट वगैरह पहनती नहीं हूँ, जीन्स वगैरह तो मेरे टाइप का था कुछ नहीं। और एज़ यूजल मेरे हस्बैंड हमेशा की तरह इस बार भी मोबाइल में थे, क्योंकि वह जब भी हमारे साथ शॉपिंग पर आते हैं वो मोबाइल में ही बिज़ी हो जाते हैं। कहते हैं अपना जानो आप, अपना सर यानी अपना सर खाओ खुद ही, अपनी मर्जी साइड पे ना बैठ जाते हैं। तो इस बार बच्चे साथ थे तो उन्होंने बच्चे तंग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जी ट्रैक सूट भी थे, लेडीज़ के भी थे, जेंट्स के भी थे। ये शूज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी थी और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी आई, लेकिन एज समर जा रहा था अब तो लेने का फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पर ये स्नैकर्स देखें, ये भी अच्छे लग रहे थे, इसके साथ रेड पर्स अच्छा नहीं लग रहा था। खैर ये 50% ऑफ पे थे, 50% ऑफ के बाद इसकी प्राइस आई थिंक 45 थी या मतलब 3800 बन रही थी, और उसके बाद ये लोग जो है ना फ्रेश पीस भी नहीं दे रहे थे, बात है सीधी, क्योंकि हम लोग लगाते हैं पैसे, हमें चाहिए फ्रेश पीस, इन लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद हम मेरे बच्चे बैठे हुए थे, मेरी बेटी कह रही थी कि हमने चलना फ़्रॉक लेना है, और इसके बाद मैं जहाँ पे दूसरी जगह पे ब्रांड था लुलू सर, वहाँ पे आ गया था। कुछ लोग इसे लुलू सर कहते हैं, कुछ लोग इसे लालू सर कहते हैं, आई डोंट नो इसको कहना क्या चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएगा इस ब्रांड के नेम का। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, और उसके बाद यहाँ से हमने करनी थी शॉपिंग, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिल्क और नेट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और यहाँ पर सिल्क और नेट और ऑर्गेन्जा ज़्यादा थी, ऑर्गेन्जा पसंद है लेकिन ऑर्गेन्जा में अच्छे स्टफ़ में नहीं था। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने का अपना ही मज़ा है जब इतनी भरी ट्रैफिक में रोड क्रॉस करें। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए थे फ्रॉक लेने के लिए मेरी बेटी का, इसने ये ब्लू वाला उठाया और ऐसा कोई चिपकी जैसे छिपकली चिपक जाती है दीवार को, ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी इतनी मेहनत के बाद। मैंने शर्ट उठाई, मैंने कहा ये वाली शर्ट देखो, ये वाली, हम फ्रॉक लेने का फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि आगे शादियाँ ही नहीं थी। ये कह रही थी मुझे फ़्रॉक लेके दो, अलमारी फुल है भाई फ्रॉकों से, मैडम साहबा को फुर्सत नहीं है। तो उसके बाद जी आ गए थे अलसना पे, जो कि मेरी बेटी को पसंद है इनके फ्रॉक, ठीक है। हम फिर मियाँ ने कहा चलो, मियाँ के साथ आए, और यहाँ पे जी मेरी बेटी सबसे छोटा साइज़ उठाती थी, अल्लाह जाने खुद को इतना कोई मुन्नी समझती थी जो इतना छोटा साइज़ उठाती, और उसका हैंड बैग उनको कहती अंकल मुझे हैंड बैग उतार के दें, रुको मैं आपको सुनाती हूँ। ओ नीचे गिरा दिया आपने, मुझे दिखाओ यहाँ पे, यहाँ से दिखाओ कैसा लग रहा है, अब अंकल को वापस कर दो। पहनो, पहले उतार के तो देखो, ये लो नहीं, बस अंकल कहते नहीं, अब लगा दो, आगे चल के देखो ना वो स्कर्ट भी है वो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे मतलब अपनी अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा आगे लेंगे ना शादी पे।
उसके बाद जी मिनी मैनर पे आ गए थे। यहाँ पे मुझे शॉर्ट्स वगैरह लेनी थी और कुछ शर्टें लेनी थी, तो यहाँ से जी मैंने शॉर्ट्स वगैरह ली और शर्टें ली। इस पैंट पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मेरी मम्मा कह रही थी लो लो, और मुझे मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। और उसके बाद जी हम लोग जो है ना अभी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ चले। मम्मा कह रही थी पेपर लैंड पे चलते हैं, और पेपर लैंड जो है ना पीछे बीच पे की उसको क्रॉस करना पड़ता है। और कपड़े थे अच्छे थे, बीच पे सेल लगी हुई थी फ्लैट 30-50। बट मैं यहाँ से क्यों नहीं बाई करती, क्योंकि ये लोग बाद में चेंज नहीं कर देते। अगर कोई भी आप लोगों का इशू है तो ये लोग चेंज नहीं करते, इस वजह से मैं यहाँ से गलती से भी बाई नहीं करती। तो उसके बाद मैं जो है ना अपनी बेटी के लिए, बेटी और बेटे के कपड़े जो ना पसंद करने के लिए आई थी, बेटे के ले आई थी। बेटी रहती थी तो बेटी के ना समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, क्या ले बंदा क्या ना ले। तो इस वजह से फिर मैंने देखा कि मुझे क्या लेना चाहिए जो कि आगे मिड सीज़न में इनका यूज़ हो जाए। तो मैंने जो है ना शॉर्ट्स जो है ना ट्रैक सूट अच्छे लगे हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने जो है ना उसके बाद मोबाइल ले लिया था, वरना आपको दिखाती अब घर जाके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मुझे दो चक्कर लगाने पड़ गए थे क्योंकि साइज़ का इशू था। साइज़ जो है ना वो छोटे थे दोनों को, मेरी भांजी और मेरी बेटी को। बेटी और भांजी का दोनों सेम ट्रैक सूट लिया था, मम्मा ने भी और मैंने भी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, घर जाके मैं आपको फ़ौरन कपड़े दिखाती हूँ। कपड़े ऐसे एक वीडियो बनाई थी मैंने अपनी इंस्टा के लिए, तो आपको दिखा देती हूँ। ये बेटे का ड्रेस है और उसके बाद बेटी का भी ड्रेस शेयर कर देती हूँ। बेटे और बेटी दोनों के दो दो ड्रेस लिए थे। और आगे मैं आपको एक चैनल बताऊंगी, आप लोग उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फरवा लिगारी का नाम से ये चैनल है। इनको सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे क्योंकि इनके 1K कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग भी इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।